हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल में। आज का इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिस्टोलरी नावल। क्या होती है एपिस्टोलरी नावल एंड क्यों इसका यूज़ किया जाता है लिटरेरी फिक्शन में। बेसिकली मैं आज के इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियो में ये एक सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फिक्शन डिस्कस करेंगे। यानी कि जितने टाइप के हमारे फिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, वो सब हम इंग्लिश लिटरेचर के फिक्शंस डिस्कस करेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में। आज भी हम बात कर लेते हैं एपिस्टोलरी नावल के बारे में। क्या है ये, कितना फेमस हुआ, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, कब इसकी बिगनिंग हुई, एवरीथिंग डिस्कस। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो दोस्तों। सो व्हाट इज एपिस्टोलरी नावल। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज व्हाट इज एपिस्टोलरी नावल। क्या होता है एपिस्टोलरी नावल एंड व्हाई वी यूज टू नो अबाउट ऑल दैट। सो ये होता है इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्म विथ सीरीज इन डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो सीरीज में होता है, कोई भी स्टोरी जो डॉक्यूमेंट की सीरीज में होती है, उसे हम एपिस्टोलरी नावल कहते हैं। एंड यूजुअली अगर अब मैं आपको बताऊं तो ये लेटर की फॉर्म में होता है, डायरीज की फॉर्म में होती है, न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स की फॉर्म में होती हैं, एंड समटाइम्स कुछ डॉक्यूमेंट जो कि यूज़ कर रखे हैं उनके फॉर्म में होती हैं। मतलब समटाइम्स कुछ डॉक्यूमेंट हैं तो उनके फॉर्म में होती हैं। और कई बार अगर आप बात करो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की, तो जैसे रेडियो हो गया हमारा, ईमेल्स हो गए, सच एज ब्लॉग्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, एपिस्टोलरी नॉवल्स बनाती हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, लेटर्स हो गया, इन सब की सीरीज में होती है, उसे एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं, कोई भी स्टोरी को। तो यहाँ पे बात करते हैं ये वर्ड कहाँ से लिया गया, एपिस्टोलरी वर्ड जो है हमारा कहाँ से लिया गया। ये लिया गया लैटिन विच से फ्रॉम ग्रीक एंड, दो वर्ड को मिला के बनाए, ग्रीक एंड लैटिन दो लैंग्वेज को मिला के बनाई है। बात कर लेते हैं इट इज का काइंड ऑफ फॉर्म जो कि हमारा ग्रेटर रियलिज्म के ऊपर है एंड रियल लाइफ की जो वर्किंग है उसको भी दर्शाती है। कई बार इस टाइप की स्टोरीज जो होती हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे, जो एग्जांपल मतलब जो नॉवेल्स हमारी रही हैं एपिस्टोलरी नॉवेल्स, द कॉन्क्यूट एंड द हिस्ट्री ऑफ एलिजा वॉटन 1797 की ये जो है वर्क है, जो कि लेटर्स की सीरीज में और अलग अलग कैरेक्टर्स की सीरीज में हमें देखने को मिलता है। एंड देयर इज अनदर इफ आई वर अ बॉय, तो ये भी एक तरह का हमारे पास वर्क है, नॉवल है, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट मिला था प्रोटैगनिस्ट से, तो प्रोटैगनिस्ट ने सारी पूरी स्टोरी बताई है। देन वर्जीनिया वुल्फ ने भी कई सारी एपिस्टोलरी फॉर्म में हमें एसेज दिखाए हैं, जैसे कि थ्री जीनीज। देन बात करते हैं द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर के ऊपर आई थिंक आई मेड अ वीडियो ऑल्सो। इस नॉवल को 40th मैन बुकर प्राइज भी मिला था इन लिटरेचर। एंड चाइनीज प्लेयर वैन जिमाओ जियाबाओ के द्वारा हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है कि उसने बताया है। बेसिकली आप समझ गए होंगे, कोई भी फॉर्म ऑफ लेटर्स, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम नॉवल जो कि स्टोरी प्रेजेंट करता है उसे हम एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। आगे बात करते हैं तीन मेथड से इस नॉवल को दर्शाया जाता है, यानी कि इसके थ्री मेथड्स होते हैं जो कि स्टोरीज को ये दर्शाती है। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, तीसरा होता है एपिस्टोलरी। अभी बात कर लेते हैं डायरेक्ट में क्या होता है। नॉवल में जो है डायरेक्ट डिस्क्राइब किया जाता है कैरेक्टर्स राइटर के द्वारा। जैसे सपोज लाइक कोई कैरेक्टर है, वर्जीनिया वुल्फी है नॉवल है, तो उसमें एक कैरेक्टर है वही पूरी नॉवल को डिस्क्राइब कर रहा है। सपोज लाइक जेन ऑस्टिन की जो नॉवल है, ओके, उसमें जेन नाम का कैरेक्टर जो होगा, यानी कि खुद जेन उसमें अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब करेगी, उसके पूरे स्टोरीज को वो डिस्क्राइब करेगी, उसे बोलते हैं डायरेक्ट नॉवल, जो कि राइटर द्वारा नरेट की जा रही है। देन होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो राइटर होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, वो अपनी स्टोरी का कोई कैरेक्टर बनाते हैं और वही सेंट्रल कैरेक्टर होता है। तो सबसे बड़ी बात है कई नॉवलिस्ट जो है इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, मतलब कैरेक्टर जो स्टोरी है उसमें कोई कैरेक्टर उठाते हैं एंड वो नरेट करता है, स्टोरी टेलिंग करता है। आप जैसे आप देखो क्लैरिसा है वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल में, जो कि बताती है, सेप्टिमस ऑल्सो है, आपने वाली नॉवल जो देखी होगी हमारी मिसेस डैरोवे में, तो मिसेस डैरोवे में क्लैरिसा एंड सेप्टिमस है, तो वो सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, तो वही पूरी स्टोरी दर्शाते हैं और वही पूरा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली वो होते हैं हमारे सेकंड इनडायरेक्ट मेथड। एपिस्टोलरी मेथड होता है हमारा जिसमें ऑथर जो है वो बिल्कुल डिस्क्राइब करता है पूरी स्टोरी इन लेटर्स में, ओके, तो जो पूरे लेटर्स में स्टोरी डिस्क्राइब होती है उसे हम एपिस्टोलरी बोलते हैं, एपिस्टोलरी मेथड बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। एक बहुत ही स्टार्टिंग कब से होती है हिस्ट्री देख लेते हैं एपिस्टोलरी नॉवल की। तो सबसे पहले हमारी जो नॉवल थी 1740 की पब्लिश हुई थी, जिस नॉवल का नाम था पैमला। पैमला नॉवल जो रिटन बाय रिचर्डसन है, तो वो एपिस्टोलरी नॉवल है
और इसमें जो कैरेक्टर है पैमला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मतलब रिचर्डसन के दो कैरेक्टर बहुत फेमस हैं, एक तो पैमला एंड क्लैरिसा है। तो पैमला एंड क्लैरिसा जो है प्रमोट करते हैं नॉवल में फेमिनाइन का हमेशा, ऑलवेज वुमेन एजुकेशन, वुमेन थिंग्स एंड वुमेनहुड, जो कि ये लोग फॉलो करते हैं और वो मतलब बिल्कुल ही प्रमोट करते हैं। बात कर लेते हैं जो स्टोरी है, ये एक सर्वेंट गर्ल है, मतलब उसका स्ट्रगल दिखाया गया है अगेंस्ट हर मास्टर्स, मतलब उसका मास्टर जो उसके साथ करता है उसके अगेंस्ट अटैम्प्ट दिखाया गया है। यानी कि एक सर्वेंट गर्ल होती है जो कि पैमला है हमारी, उनका सेड्यूस किया जाता है उनके मालिक के द्वारा, तो सेड्यूशन के अगेंस्ट वो कैसे बात करती है, कैसे खड़ी होती है वो दिखाया गया है। तो ये उस टाइप की सोसाइटी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कई टाइम पे, और ये जो है 19th सेंचुरी को ये नॉवल हमारी जो देखने को मिलती है पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट आई कैन नॉट इवन से दैट कितनी ज़्यादा हो गई थी, बट बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पैमला बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, समरी एंड क्रिटिकल ऐसे। आई थिंक समरी कई सारे चैनल्स अपलोड कर रखी है, तो आप समरी तो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं इसमें क्या करूंगी, अपने वीडियोस में आपको क्रिटिकल ऐसेज जो होंगे उस नॉवल के वो प्रेजेंट कर दूंगी। सम ऑफ आइडिया आई डिस्कस द स्टार्टिंग अर्ली अबाउट द कैरेक्टर एनालिसिस, द क्रिटिकल कैरेक्टर एनालिसिस एंड देन द स्टोरी एनालिसिस एंड द बैकग्राउंड वंस। सो दिस इज द बेसिकली पैमला। देन आगे बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एपिस्टोलरी नॉवल्स। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं हम, एडवांटेज ज़रूरी है ना जानना। तो सबसे बड़ी बात है सूटेबल अपॉर्चुनिटी यही है, जो कि रीडिंग कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को रीड करना डीपली उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है नॉवल ये इस तरह की। देन लेटर की फॉर्म में होता है तो कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, यानी कि अगर हम लेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो अपने जो मन में फीलिंग होती है, हम जब किसी को लेटर लिखते हैं तो मन में फीलिंग होती है, हम वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देते हैं एवरीथिंग। तो ये लेटर जो होता है वो हर चीज़ से फ्री होता है, फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, इसलिए बताया गया। देन इट कैन एनालाइज द सेल्फ पोर्ट्रेट, हम किसी का भी सेल्फ पोर्ट्रेट ईजिली एनालाइज कर सकते हैं लेटर के थ्रू, क्योंकि सेल्फ पोर्ट्रेट का वर्णन भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे दिया जाता है लेटर्स में या डॉक्यूमेंट्स में। देन बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द एपिस्टोलरी नॉवल्स। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लेंथी होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि लेंथ में चली जाती कई बार बहुत ज़्यादा, नॉर्मल नॉवल होती है उससे कहीं ज़्यादा, ट्रिपल मतलब डबल ट्रिपल चली जाती है। देन एक और चीज़ आती है लैक ऑफ रियलिटी, मतलब समटाइम्स हमें देखने को मिलता है ये प्रॉपर रियलिटी नहीं दिखाती। अभी ऑब्वियसली बात है लेटर्स आप लिख रहे हैं तो आप अपने इमोशंस लिखेंगे, अपने जो आप फील करते हो चीज़ों को लेके वो फीलिंग्स आप लिखोगे, ऑब्वियसली बात है लिखोगे तो फीलिंग्स आप जब लिखोगे तो वो रियलिटी का लैक हो जाता है, यानी कि लैक ऑफ रियलिटी हमें देखने को मिलता है उस टाइम पे। देन हम बात करते हैं वर्च्यू, वॉइस एंड पावर्सलेसनेस भी देखने को मिलता है हमें समटाइम्स, यानी कि कई बार जो लेटर लिखे जाते हैं वो दबाव में आके या कई कोई हमारे को कोई डिप्रेशन है उसमें भी लिखे जाते हैं, या फिर कोई एक बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमें तब हम लेटर्स लिखते हैं, अपनी डायरीज़ मेंटेन करते हैं, डायरीज़ में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर इमोशन के लिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं और एडवांटेज भी देखने मिलते हैं। बेसिकली अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट एपिस्टोलरी नॉवल क्वाइट गुड टू नो अबाउट ऑल दिस नॉवल एंड बहुत ही अच्छा फॉर्म है ये। तो आपका यहाँ तक मैं अपनी वीडियो फिनिश करती हूँ, आई होप आपने समझा होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड या यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियोज़ क्लियरली एंड जस्ट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द लिटरेचर, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स कि आप लोग ना सेंस नहीं बना पाते हो, यानी कि सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, हमारी लिटरेचर हमारा सेंस पे डिपेंड है एंड कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। जैसे हम कभी साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में भी हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, नहीं होता है तो वो साइंस हमारी कभी समझ में नहीं आती है। इसी तरह से लिटरेचर को भी मैं यही कहूँगी कि आपको समझना है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ दैट थिंग आपको समझना होगा, उस स्टोरी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों।